सर। हाँ ठीक है, तो ये आ गया ऑक्टल टू डेसिमल। मतलब डेसिमल से जब बाइनरी ऑक्टल हेक्साडेसिमल में कर रहे थे तो एक ही पैटर्न फॉलो कर रहे थे, एक टाइम 2 से डिवाइड कर रहे थे, एक टाइम 8 से डिवाइड कर रहे थे, फिर 16 से डिवाइड कर रहे थे। और जब इसका ऑपोजिट करेंगे, मतलब बाइनरी टू डेसिमल, ऑक्टल टू डेसिमल, या हेक्सा डेसिमल टू डेसिमल, या सिक्स टाइप, एग्जा डेसिमल टू अगर डेसिमल। अगर ऐसा मान लो हेक्साडेसिमल डेसिमल कन्वर्ट कर रहे हैं और मेरे पास एक नंबर है 8 9 A C 6, ये है हेक्साडेसिमल नंबर, इसको कन्वर्ट करके दिखाओ डेसिमल में। सिक्सटीन टू द पावर 1, 16 टू द पावर 2, 16 टू द पावर 3, 16 टू द पावर 4। करो कैलकुलेट, बड़ा सा कैलकुलेशन होके आएगी। 16 टू द पावर 4 करोगे 256 स्क्वायर, बड़ा कुछ हो गया यार। टू फिफ्टी नहीं, इतना क्यों, इतने तेज क्यों बोल रहे? 16 टू द पावर 4, ये आता है बहुत बड़ा वैल्यू, 65536 मल्टीप्लाइड विथ 8। पांच लाख 24,288। फिर आता है 16 टू द पावर 2। सर 563850, सर 563850। मतलब मुझे बस तुमसे इतना जानना है कि आप जहां पे ए आया है और सी आया है वहां क्या मल्टीप्लाई किया है। सर 16 की पावर 2 इंटू 10। ओके ओके, बस यही मुझे पता करना था। और जहां सी है वहां पे 12। और 1 इंटू 12। ओके ओके, बस यही लॉजिक है, बाकी सब कुछ ठीक है। बाकी आप ऐड करते रहे ना, वो आता रहेगा। ठीक है, तो हमने एक कन्वर्जन देख लिया, क्या देख लिया, डेसिमल टू बाइनरी, ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल, और इसके ऑपोजिट बाइनरी टू डेसिमल, ऑक्टल टू डेसिमल एंड हेक्साडेसिमल टू डेसिमल। तो इतने में तुम्हारे जो क्वेश्चन होंगे वो कवर हो जाएंगे मैक्सिमम। अब हमारा तो ये तो नंबर सिस्टम का था,
हम पढ़ रहे थे बेसिकली। अब कुछ मैं मतलब बुलियन आइडेंटिटीज बता दूं। बुलियन आइडेंटिटीज का मतलब क्या है, जैसे ये तो हो गया नंबर सिस्टम, बुलियन आइडेंटिटीज, आइडेंटिटीज, बुलियन आइडेंटिटी का मतलब क्या है, जैसे हमने किया समझना, ये जो बुलियन हम जो यहाँ पे डिजिटल में जो वेरिएबल्स यूज करते हैं ना, जैसे हमने ए ले रहे थे, दो इनपुट्स ए ले रहे थे ना यहाँ पे, जैसे किसी जगह पे हम ए जगह ए इनपुट ले रहे थे, बी ले रहे थे और एक वाई बोल रहे थे, तो यहाँ पे ये जो वेरिएबल्स हैं, ये जो वेरिएबल्स हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक जिसे हम यूज करते हैं, इनके लिए एक आइडेंटिटी होती है। होता क्या, जैसे देखो अगर लिखा है ए प्लस ए, तो इसका मतलब क्या होगा, टू टू ए नहीं होता है, टू ए नहीं होता है। यहाँ पे देखो अब मान लो, चलो तुमने कह दिया टू ए, मैंने मान लिया टू ए हो गया, ठीक है, मैंने मान भी लिया टू ए हो गया। अब सपोज आपकी जो ए वेरिएबल है इसकी वैल्यू वन है, सपोज ए वेरिएबल की वैल्यू वन है तो आंसर क्या आएगा, वन सर प्लस ए वन प्लस वन इक्वल टू आ जाएगा। और ऐसा तो होता ही नहीं बाइनरी केस में। बाइनरी केस में क्या होता है, वन प्लस वन इक्वल टू वन जीरो, ऐसा होता है। इसका मतलब टू ए बोलना गलत होता है, क्योंकि हम बाइनरी नंबर से डील कर रहे हैं, बुलियन आइडेंटिटी है ये, ए प्लस ए टू ए नहीं होता है। यहाँ पे यही लॉजिक है, यहाँ पे लॉजिक ये है कि जब दो ए का और हो रहा हो ना आपस में, जब टू ए का और हो रहा होता है तो वो ए ही रहती है, तो उसकी वैल्यू ए ही रहती है। सेकंड, अगर ए प्लस जीरो हो रहा है तो उसकी वैल्यू ए ही रहती है। थर्ड, अगर ए प्लस वन होता है तो उसकी वैल्यू वन होती है। याद रखना इसका मतलब क्या है, इसका मतलब समझो, अगर हम इसे थोड़ा सा और गेट से कंपेयर कर रहे हैं, ट्राई टू अंडरस्टैंड इट्स मीनिंग, अगर हमें थोड़ा सा और गेट से, हाँ थोड़ा सा और गेट से अगर इसे कंपेयर कर रहे हैं, क्योंकि हम एक्चुअली में क्या है कि बीच में एडिशन कर रहे हैं और लॉजिक दिखा रहे हैं, अगर मेरे दोनों इनपुट्स ए हो गए तो ये आउटपुट भी ए हुआ। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके दोनों इनपुट्स हाई हैं, अगर आपके दोनों इनपुट्स एक ही जगह मान लो वन ले लिया हमने, दोनों इनपुट्स वन है तो और इसका वन ही आता था ना, मान लो कि हमने ए इक्वल टू वन ले लिया। ये फर्स्ट आइडेंटिटी को मैं और गेट से वेरीफाई कर रहा हूँ, अगर फर्स्ट आइडेंटिटी को और गेट से वेरीफाई कर रहा हूँ तो लेट ए इक्वल टू वन, ठीक है, तो अगर दोनों जगह वन कर दोगे तो वन प्लस वन वन ही होता है ना और गेट में। और गेट में क्या करते थे, और गेट की वो ट्रुथ टेबल पे ध्यान दो, ट्रुथ टेबल पे, और गेट की ट्रुथ टेबल में वन और वन अगर ए भी इनपुट हो जाते थे तो क्या होता था, वन ही आता था ना आउटपुट। तो और गेट के केस में कुछ भी एक इनपुट भी अगर वन हो गया, अगर मान लो दोनों ए हैं और ये दोनों जीरो हैं तो ये भी जीरो आएगा। और गेट का नेचर होता था कि अगर दोनों जीरो है तो दोनों जीरो, तो आउटपुट भी जीरो आएगा, दोनों वन है तो आउटपुट भी वन आएगा। इसका मतलब अगर हम इसे ए बोल रहे हैं, अगर हम इसे ए बोल रहे हैं तो ए इक्वल टू अगर वन है, अगर ए इक्वल टू वन है तो ये भी ए इक्वल टू वन है, तो ये वन आ रहा है, मतलब ये भी तो ए हुआ भाई, ये भी तो ए हुआ। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ ए प्लस ए इक्वल टू ए होता है बुलियन आइडेंटिटी के केस में। अगर ए इक्वल टू जीरो, अगर ए इक्वल टू जीरो है और ए इक्वल टू जीरो है तो ये भी तो जीरो आ रहा है, इसका मतलब ये भी ए हुआ। सो वी कैन से कि ए प्लस ए इक्वल टू ए आ रहा है, ठीक है, लॉजिकल या बुलियन आइडेंटिटी में ए प्लस ए इक्वल टू ए आता है और ए प्लस जीरो इक्वल टू ए आता है एंड ए प्लस वन इक्वल टू वन आता है। इसे आप वेरीफाई कर सकते हैं और गेट से,
इन तीनों आइडेंटिटीज को आप और गेट से वेरीफाई कर सकते हैं, इन तीनों ही आइडेंटिटीज को और गेट से वेरीफाई कर सकते हैं। आप क्या करना, सेकंड एंड थर्ड आइडेंटिटी के लिए वेरीफाई करना, ऐसे एक और गेट बनाना, यहाँ पे एक इनपुट देना ए और एक इनपुट देना जीरो, और फिर आउटपुट नोटिस करना, आउटपुट नोटिस करना। मतलब यहाँ दो केस बनेंगे, एक की वैल्यू एक बार तो आप वन लोगे, एक बार एक की वैल्यू जीरो लोगे, यहाँ दो केस बनेंगे। एंड थर्ड आइडेंटिटी को जब आप प्रूफ करोगे, जब थर्ड आइडेंटिटी को प्रूफ करोगे तो एक तो ए रहेगा इनपुट, एक इनपुट वन रहेगा, तो यहाँ आउटपुट बताना क्या आएगा, एक बार ए इक्वल टू वन ले लेना, एक बार ए इक्वल टू जीरो ले लेना। मतलब दोनों दोनों केस, दोनों के केस पॉसिबल है, तो यहाँ से आप वेरीफाई कर सकते हैं इन आइडेंटिटीज को, बुलियन आइडेंटिटीज। हेलो हेलो, यस सर, हाँ समझ में आया, इनको वेरीफाई कर लेना, इसके बाद मैं और भी आइडेंटिटीज लिख रहा हूँ। इसके बाद देखो तीन आइडेंटिटीज हो गई थी, फोर्थ आइडेंटिटी ए मल्टीप्लाइड विद ए, या एंड ऑफ ए, ए इक्वल टू ए होता है, ठीक है। यहाँ पे ऐसा मत बोल देना ए स्क्वायर, ये तो वैलिड ही नहीं है बुलियन में, ये तो बाइनरी के केस में वैलिड ही नहीं है, ए स्क्वायर नहीं बोलना है। मतलब क्या हुआ कि अगर हम दो इनपुट्स का एंड ले रहे हैं, दोनों इनपुट एक जैसे हैं, तो इसका आउटपुट भी ए ही होगा, ठीक है। ये अब यस सर, सर आपकी वॉइस ब्रेक होती है बार बार, वॉइस ब्रेक, अरे स्क्रीन में कुछ नेट फ्लक्चुएट कर रहा था, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी आ रही है। यस सर, तो आ रही है सर, तो ये बोल रहा था, ये अभी मैं बस ये आइडेंटिटी ही नोट कराता हूँ, आज के लिए काफी है, ठीक है। इसके बाद देख लो ए डॉट वन इक्वल टू ए एंड ए डॉट जीरो इक्वल टू जीरो, इन दोनों को भी आपका काम क्या है, होमवर्क है, इन दोनों को वेरीफाई करना एंड गेट से, इन दोनों को भी आप एंड गेट से वेरीफाई करना। मतलब अगर आपका एक इनपुट वन हो गया, दूसरा इनपुट ए है, तो आपको आउटपुट पता करना है, अगर एक इनपुट जीरो हो गया, दूसरा इनपुट ए है, तो आपको आउटपुट पता करना है, और दोनों ही केस में एक ही पॉसिबल वैल्यूज लेनी है, यहाँ भी एक ही दो वैल्यूज लेनी है, मतलब टू केसेस, यहाँ भी एक ही दो वैल्यूज लेनी, मतलब टू केसेस, ओके। सो आई एम स्टॉपिंग दिस क्लास हियर ओनली, ठीक है, स्टॉप करना चाहिए, यस सर, हाँ अभी के लिए, आज के लिए, कल के लिए रिवीजन करना है बस, ठीक है, नोट कर लिया, यस सर, कर लो एक बार, कर लो, मैं एक मिनट रुका हूं। कर लिया सर, कर लिया, तो ओके, लीविंग नाउ, थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू।